Hi guys, this is Pawan Kumar and you are watching Swadhyaya YouTube channel. In this video, I'm going to tell you about class 6, chapter 6, changes around us. This one is reversible. Irreversible difference between bring chemical changes, contraction, expansion, and structure, bahut sare kuch. So, sabse pehle hum start karte hain reversible changes. Changes which can be changed back again its original form is called reversible process, like melting of ice. Reversible process is a process hota hai jisse hum log usko fir se wapas bana sakte hain, jaise ki melting of ice. Ice jab melt hota hai to hum log usko melt karte hain, wo heat se melt hota hai aur usko jab hum log cool karenge to fir se wo ice ban jayega. To isi ko bola jata hai reversible process ya reversible changes. Irreversible changes bas iska vice versa hota hai, ye isko hum log permanently kho dete hain. और जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, कुकिंग अगर हम लोग कर रहे हैं किसी राइस का या एग का, तो हम लोग उसको वापस तो नहीं ला सकते हैं. लाइक कोई भी केमिकल चेंजेस होता है तो उसको भी हम लोग एक तरह से इरिवर्सिबल चेंजेस भी कहेंगे. अगला जो है वो है बर्निंग ऑफ पेपर. बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंजेस. इट इज द चेंज इन दिस चेंजेस पेपर बर्न्स कम्प्लीटली एंड चेंजेस इट फॉर्म्स. तो इरिवर्सिबल चेंजेस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो अपना जो एक फॉर्म है वो चेंज कर लेता है दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए और फिर से उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है. लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर बर्न हो गया तो फिर से हम लोग उसको वापस नहीं ले सकते हैं. तो डिफरेंस वेज टू ब्रिंग अ केमिकल चेंजेस, पहला है हीटिंग, दूसरा है बॉयलिंग, तीसरा है मिक्सिंग और चौथा है इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर एटसेट्रा. तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस के लिए बहुत सारी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, हीटिंग बॉइलिंग एक्सेट्रा के लिए और मिक्सिंग होना है, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर भी करना रहता है. अब अगला है वो है कॉन्ट्रैक्शन. इट इज़ द प्रोसेस टू मेक एनीथिंग स्मॉलर और बिकमिंग स्मॉलर. कॉन्ट्रैक्शन वो चीज़ होता है अगर कोई बड़ा चीज़ है उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, छोटा करते हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. लाइक अगर बलून जो है फूला हुआ है उसको हम लोग सिकुड़ाते हैं उसका हवा निकाल के, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ही बोलेंगे. चलते हैं अगले की तरफ, तो वो है इवापोरेशन. इट इज़ द टाइप ऑफ वेपोराइजेशन इज यूज टू वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इवापोरेशन वो चीज़ होता है जिसमें वेपोराइजेशन का लिक्विड जो है वो डायरेक्टली वेपर में बदल जाता है बिना गए बॉइलिंग पॉइंट पे. आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि आप जब भी देखते हैं समुद्र से जो ऊपर उठता है वो सब इवेपोरेशन ही होता है. फैक्टर अफेक्टिंग द वेपोराइजेशन इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड, इंक्रीज इन सरफेस एरिया एटसेट्रा. तो चलते हैं हम लोग अगले की तरफ, तो वो है एक्सपेंशन एंड मेल्टिंग. एक्सपेंशन इज अ फिनोमेनन ऑफ एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस व्हाइल मास रिमेंस द सेम. इट हैपेंड ड्यू टू हीटिंग. एक्सपेंशन वो चीज़ होता है कि वो बढ़ जाता है लेकिन उसका मास जो होता है वो उतना ही रहता है. और मेल्टिंग वो चीज़ होता है, वो कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड टू लिक्विड डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म होता है, उसको मेल्टिंग बोला जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर आप आइस ले सकते हैं, आइस मेल्ट होता है तो वो मेल्टिंग ही होता है. और एक्सपेंशन के तौर पर आप ले सकते हैं आपका बलून. तो आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा. ये छोटा सा वीडियो है इस चैनल, ये जो चैप्टर है उस पर. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. कोई सवाल या सुझाव हो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो या कॉलेजेस में हो, अगर इस चैप्टर के में कोई भी आपका डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी आपके डाउट क्लियरिंग करने में. तो आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए. कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. मिलता हूँ अगले वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.